गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ बीफोर बांसल चैनल। हैप्पी संडे सेशन टू। तो इस वीडियो में बेटा आप गल करांगे जो आप कम्यूनिटी टैब में अपने क्वेश्चनस पाने होने विद ऑप्शनस, तो उसके सही आंसर की ने, तो सही आंसर देने का तरीका की होना चाहिए। ठीक है, इस तो पहला आप एक सैशन किया जिहड़ा कि तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल लाइक किया ते कमेंट्स किए, तो थैंक्स फॉर ऑल। तो इस तो बाद अज दा आप शुरू करते हैं। देखो तुसीं देख सकते हो स्क्रीन पर कि 5 डेज़ एगो आप एक क्वेश्चन पाया सी फॉर क्लास 10 इंग्लिश का। इट वॉज़ हाउ मच मनी डिड द ब्लाइंड मैन हैव इन हिज अकाउंट, कि ब्लाइंड मैन के अकाउंट किन्ने पैसे से। यह लैसन $1,000 विचों क्वेश्चन सी फॉर क्लास 10। ठीक है, जिमें कि मैं कहता आया सूँ पहला शुरू तो ही कि मोस्टली बच्चे की करते हैं बेटा, वह ना जो पहली ऑप्शन होंगी है उससे टिक मार देंगे बिना बाकी के तीन ऑप्शन पढ़े। इतने तुम देख सकते हो कि 78% बच्चों ने पहले क्वेश्चन के उपर ही उसनों ठीक किया है, यानी कि यह क्वेश्चन का आंसर जो है वैसे ही गलत है, यह सही आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4th, $1,785, जिहड़ा कि सिर्फ 17% बच्चों ने ही ठीक किए। ठीक है, यदा आंसर तुम नोट कर लो फ्यूचर वास्ते। तो इस आपको 355 वोट्स पी, लाइक्स यू कैन सी ऑलसो हेयर। उस तो बाद बेटा अपनी पोस्ट पाई से अपने फॉर क्लास 8 इंग्लिश, एंड द क्वेश्चन वाज लोंग एगो देयर वाज ए प्रोविंस इन डैश कॉल्ड डैश, ए सी लैसन द एज्ड मदर विचों। तो आपको सही आंसर पता है, सही आंसर देखो तुम देखो कि सब तो पहला जोड़ा आंसर है ऑप्शन ए है, उस विच की है जापान एंड हिताची, यानी कि 80% बच्चों यह लगता है कि यह आंसर यह है। हालांकि शायद उन्होंने यह कोशिश नहीं की अगले आंसर वो पढ़ लैन। मैं यही गल कहता कि पहला आंसर गलत होंगे, पर पहला आंसर जरूरी नहीं कि सही हो। बाकी तीन ऑप्शन देन का फिर मीनिंग की हो जे आप पहले तो लगा देनी बिना पढ़े। इसका सही आंसर बेटा तुम लिख लो, सही आंसर इसका है जापान एंड शिनिंग ऑप्शन बी, जिहड़ा कि सिर्फ 15% बच्चों ने ही सही किया है, यानी कि बाकी के जोड़े 85% बच्चे ने उन्होंने ये आंसर गलत है। बेटा आप इन शीट्स पाइया ने, रिविजन शीट्स पाने, ये क्वेश्चन बहुत बार उस आया है, तो अगे तो प्लीज़ तुम ये गलती ना करो। उस तो बाद अपना एक क्वेश्चन होर सीगा बेटा, वह सी आ देखो तुम यह आप बच्चों पूछा सी 10th क्लास के बच्चों, जो उन्होंने पेपर होया 10th का 3 दिन पहला, कि तुम दसो कि 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में तुहाडे किन्ने आंसर ठीक ने। ठीक है, तो क्योंकि 40 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे उस विचों कैटागरीज आप बनाती सीगियाँ 5, तो ज़्यादातर बच्चों के जो आंसर ठीक ने वह ने 30 तो 39, 61%, तो सारे जिदे ठीक ने 26% बच्चे वह ने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स जिन्हों के यह सारे आंसर ठीक ने, यानी कि 87% बच्चों के जोड़े आंसर ने बहुत ज़्यादा ठीक ने। ठीक है, 61% प्लस 26%, 87% बच्चों ने बहुत वधिया परफॉर्म किया है। वैल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दम वंस अगेन। तो हूँ आओ बेटा तुम उस तो बाद आ जाओ क्लास 8 इंग्लिश वकैबलरी, जो कि अपने 2 दिन पहला एक क्वेश्चन पाया से। इस की है वकैबलरी, गिव वन वर्ड फॉर अ परसन हू ईट्स टू मच, ए परसन हू ईट्स टू मच, जेड़ा कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है उसनों असं की कहने। ठीक है, आते क्वेश्चन लिखा भी होया कि राइट आंसर विल यू डिस्कस इन हैप्पी संडे सैशन ऑन 19th December 2021। ठीक है, अज आप उही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा खाता है उन्होंने की कहने, वह आंसर सही आंसर की है, सही आंसर है उसका बेटा ग्लूटन ऑप्शन सी, जिहड़ा कि सिर्फ 35% बच्चों ने ही सही आंसर दिता है। बाकी के बच्चों ने जो गलत आंसर दिता है वह है फस्ट वाला आर्टिस्ट 56%। ठीक है, उही गल है इतने भी कि बिना बच्चे बिना देखे उन्होंने लगता है कि ईजी है बिल्कुल टिक मारना, पर जिते इतना तुम्हें पूरे बेटा पूरे नंबर मिलते हैं, यानी कि जो टिक लगाओगे तो 1 चो 1 नंबर मिलेगा, उत्थे ही तो 1 चो 1 नंबर चला भी जाता है, उन्हें ध्यान करना पैंता। ठीक है, MCQs जिते तुहाडे फेवर च ने उत्थे तुहाडे अगेंस्ट भी जाते हैं, जेकर तुसीं ध्यान नहीं रखोगे तो। यह आंसर ग्लूटन जो है 35% बच्चों ने ही सही किया बेटा, इनू तुसीं अगे तो याद रखो फ्यूचर च। तो उस तो बाद अपने आ देखो पाया सीगा क्वेश्चन पाया सी अपने क्लास 8 का, गिव वन वर्ड फॉर अ गेम इन विच नो वन विन्स, वह गेम जिस विच कोई भी नहीं जितता।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ 90% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ 2-2% ਨੇ 6% ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਦੈਨ, ਮਿਸ ਯੂ ਆਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।